नौबस्ता थाना क्षेत्र में दबंगों का गुंडा राज। पुलिस की सह पर नौबस्ता चौराहे पर दबंग कर रहे हैं गाड़ियों से वसूली। कानपुर के नौबस्ता चौराहे से औरैया चलने वाली लगभग 150 गाड़ियों से 500 रुपये प्रति गाड़ी से वसूली किया जा रहा है। शनिवार को सुबह लगभग 10 बजे चालक सोनू ने दबंग बहुवन सजान ने 500 रुपये की एंट्री के नाम पर मांगा। चालक सोनू ने रुपए देने से मना किया तो बगवन ने सोनू के साथ मारपीट की। बगवन नौबस्ता थाने का सह पर एक साल से वसूली कर रहा है। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। रिजवान अहमद की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? कहते हम रोज जबरदस्ती लगाएंगे गाड़ी, बताओ क्या करना होगा। अच्छा, गाड़ी के लोग देखते गाड़ी अगर हम अपराध करें यहाँ नंबर लगाएं, नंबर लगा के अपना गाड़ी भरने में नंबर आए तो नंबर भरने चले, तो हमको जबरदस्ती आपको चाप करके मारपीट करी और हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और क्या बोलता है? बोलता है कि हम जबरदस्ती भरें गाड़ी, क्या कर लोगे हमारा, बताओ। और 500 रुपये इंची देते हैं टीआई और टेसाई को, कहते हैं हम देते हैं। बगवन सचान को 500। कौन सी टेसाई को एंट्री जाती है, किस किस चौराहे पे? अब ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमसे 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये यार? बगवन सचान जी रहते कहाँ हैं? ये राजीव बिहार में। क्या करते हैं? गाड़ी चलवाते हैं, चार गाड़ी हैं इनके पास, बिगड़ नंबर चलती है। कहाँ से कहाँ चलाते हैं? एक ये भोगनी चलती है और रैया भी चलती है, अकबरपुर भी चलती है, इनकी तीन चार गाड़ियाँ हैं, बिगड़ नंबर चलती है। अच्छा, आपने पुलिस कंप्लेन की? कई कंप्लेन करने शिकायत की है। उसकी कुछ पेपर वगैरह आपके पास है, कागज़ वगैरह कुछ है? थाने से क्या कार्रवाई होगी? किस थाने में दिया है आपने? अभी तो मामला ही अभी 10-15 मिनट।